आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी और आज हमारी 2 जुलाई और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर चाहे आपका नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो उसके साथ भी जुड़ी है हमारे साथ जो उसको जानने के लिए विद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब यह है चाहे मैक्रो करंट अफेयर को हम रिलेट करेंगे पॉलिटी जो आपका स्टेट ज्योग्राफी इकोनॉमिक सभी के साथ जो जिसकी जो बनती है तो अच्छे से समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन है भाई किस देश ने जो यूक्रेन के साथ जो वीजा मुक्त यात्रा समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं विच कंट्री साइंस द वीजा फ्री ट्रैवल थिंग्स विद द यूक्रेन ए इंडोनेशिया बी इंडिया सी हमारा तुर्की डी हमारा जापान। तो इसमें जो हमारा इंडोनेशिया से करेक्ट आंसर इंडोनेशिया जॉन्स की विजिट टू द यूक्रेन ऑफ रशिया द एमिड्स ग्लोबल फूड क्राइसिस। तो ये डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है तो समझते हैं क्या मामला है पूरा चीज। तो इंडोनेशिया क्राइसिस जो कंफर्म्स द प्रेसिडेंट ऑफ जॉन्स की ट्रिप्स ऑफ द रशिया यूक्रेन। तो क्या अब जो जो है इंडोनेशिया कराया का समझौता भाई जो इस तरह से लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है बड़ बार बोल सकते हैं इसको काफी दिन से चल रहा है दुनिया भर में जो लोग इसको समझौता कराने पहुंचे हैं तो इसमें जो फ्रांसीसी इसराइल और भारत गया बाजार चुका है। तो इंडोनेशिया जस्ट की जो जो कोविड है जो प्रेजिडेंट ऑफ जो इंडोनेशिया है उसकी यात्रा पर है दोनों। तो रशिया ने जो G20 ज्वाइन किया है और जो कोविड ज़ेलेंस्की को आमंत्रित किया जो क्यों पहुंचे इंडोनेशिया में जो G20 की समिट होने वाली है दोनों देशों की बात करेंगे यदि आप मिलजुल कर युद्ध बंद कर दें तो दुनिया का जो फूड क्राइसिस खत्म हो जाएगा फूड क्राइसिस क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इंडोनेशिया जो इसके साथ जो मिलकर 5 देशों जिन्होंने वर्ल्ड वार टू के बाद जो ग्लूटेन फ्री स्टार्ट किया था तो इसमें जो ये भी है इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया ना तो किसी की तरफ है ना तो ये जो आपका ये बोल सकते हैं रशिया की तरफ है ना आपके जो अमेरिका की तरफ है जिन्होंने कसम खाई थी कि अमेरिका की तरफ से बोलेंगे ना जो यूएसए की तरफ से बोलेंगे। इंडोनेशिया भी ऑयल सप्लाई के जो जो सप्लाई के लिए जाना जाता है जब इंडोनेशिया जो सप्लाई के लिए करने लगता है तो जब ऑयल सप्लाई करने लगता है जिसमें पहले एक्शन लिया था तो इसके लिए लोग यहाँ पे बहुत करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो कमी हो जाएगी तो एक्सपोर्ट करेगा ज्यादा। तो यूक्रेन जो 10,000 लोगों को जो एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करता है इवन इसमें पाकिस्तान भी है वहाँ जो सनफ्लावर के मामले में जो है सबसे ज्यादा सनफ्लावर जो प्रोडक्शन जो ये आपका करता है कौन बोला यूक्रेन करता है। तो ये सारी चीज़ें देखो सोचने वाली बात है एक किस तरह से कैसे ये जो है इसको डील कर पाएगा इंडोनेशिया दोनों को दोनों कंट्री के लिए यूएस रिजेक्टेड रशिया प्रपोजल टू द फ्रेमिंग यूक्रेन से प्रोटेस्ट द पोर्ट्स ऑफ एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस। तो ये देखते हैं यूक्रेन द प्लेस द कुरियर्स ऑफ रोल्स ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई तो इसमें सबसे ज्यादा जो वीट प्रोडक्शन सोर्स ऑफ द यूक्रेन से जो मोल्डोवा और लेबनान कतार रशिया जो पाकिस्तान तो ये इसमें जो फिर से आता है बांग्लादेश ये जो इंपोर्ट करते हैं और जो सबसे ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट हाउ मच द कम्स फॉर द यूक्रेन रशिया 2019 तो इसमें जो यूक्रेन वाला जो ये आपका शो करेगा ये येलो और रशिया ये तो सबसे ज्यादा स्नोफॉल जो जो फ्लोरिंग ऑयल है और जो वीट है हमारा जो सबसे ज्यादा ये प्रोडक्शन करता है सूखी सूरजमुखी का फिर जो बार्ले और जो मैज ये जो कौन सारी चीजें देख सकते हैं। तो अब देखो ये ग्लूटेन फ्री की बात बताई थी मैंने आपको अब इसको देख लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि वे शांति की स्थापना करने के इरादे से पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी रवाना हुए हैं और ब्लूमबर्ग ने नोट किया है कि इंडोनेशिया राष्ट्रपति की सचिवालय का अनुसार राष्ट्रपति जोको विडोडो बुधवार को 29 जून को राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिला है। जोको विडोडो जो इरपिन कीव क्षेत्र का दौरा करेंगे इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति गुरुवार को मॉस्को में पुतिन से मिलने वाले हैं जैसा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया के विदेश मंत्री जो रेटनो द मुस्टिडीज ने पिछले 2 हफ्ते कहा है कि इंडोनेशिया राष्ट्रपति G20 देशों के साथ जो विडोडो जून में यूक्रेन और रूस का दौरा करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट मिशन ऑफ द मून दिस इज द प्लेटो नासा। तो नासा के द्वारा जो नासा द्वारा नियोजित जो चंद्रमा का दूसरा मिशन उसका नाम क्या है तो इसके लिए देख सकते हैं हम जो ये है ये आर्टेमिस मिशन जो स्लोवा मिशन और एसपीपी मिशन तो ये इसमें आ जाएगा हमारा जो आर्टेमिस मिशन इज द करेक्ट आंसर है। तो ये इसकी जो फोटो है जो ये इन्होंने किया है मिशन इस पे अपोलो मिशन। अच्छा अपोलो मिशन 11 के तहत जो अमेरिका चांद पर जो अपनी आदमी को उतारा है उतारा था 1969 में नील आर्मस्ट्रांग उतारा था नासा का ये जो कारनामा था आज जो 53 साल बाद
अमेरिका चांद पर फिर जाने की जो फिर क्यों डर रहा है, कि बोल रहे हैं कि लोग कि इधर ये सब हुआ ही नहीं है, तो सारी चीजें तो नासा अमेरिका जो अपने द्वारा जो आर्टिमिस मिशन को भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चंद्रमा पर इंसान को पुनः उतारा भेजा जाएगा वहां पर चंद्रमा पर। अमेरिका इस काम के लिए जोर शोर पे लग रहा है वहां पे, जो बहुत तैयारी जा रही है जोर शोर से कि अपना एक बहुत बड़ा मिशन होगा। अमेरिका इसमें जोर शोर से काम लगा, नासा के द्वारा जो कैपस्टोन जो शुक्र जो ऊपर उपग्रह भेजा जा रहा है, कैपस्टोन नाम का जो उपग्रह भेजा जा रहा है चंद्रमा के चक्कर काटने के लिए है ये, और काटने के लिए पता लगाएगा कि इंसान वहां उतरेगा कि सारी चीजें ठीक है या नहीं ठीक है जो इंसान उतरेगा वहां पे। तो कहते हैं कि जो अमेरिका जो कहीं चांद पर जो ये इन्होंने कोई गए नहीं है बोल रहे हैं, कि ये जो यहाँ एक अमेरिका का क्षेत्र है कि वहाँ की सारी फोटो दिखा देता है कि ये जो हम गए हैं, तो इस सारी चीज को मान लेते हैं। और जो इसका जो वेट है जो है जो कैपस्टोन का जो है ये 55 पाउंड यानी कि 25 किलो के आसपास है। तो देखते हैं इस चीज को आगे जो क्या न्यूज है सारी चीज को देखे। ये फोटो कैपस्टोन विद द एंटर्स ऑफ द NRO, तो ये जो इसके जो LRO ये सारी चीजें निकल के आ रहे हैं। इसी खास से नए सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल कैपस्टोन सैटेलाइट जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उससे नियरस्ट है जो रेक्टल लाइंस हेलो ऑर्बिटल NRO कहते हैं। यह ऑर्बिटल उन ऑर्बिटल से अलग है जिसमें जो बाकी सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, आसान भाषा में समझ सकते हैं क्योंकि इनसे अलग है जिसमें जो ये ऑर्बिटल चक्कर लगाते हैं, जिस संतुलित बिंदु पर है जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ का और जो मून का होता है वो बिल्कुल सेम जो एक जैसा होता है एक तरह से, तो उसको मान लिया जाता है। ऑर्बिटल में भेजे गए सैटेलाइट को बिना अतिरिक्त ऊर्जा खर्च के जो उपग्रह को इस तरह रखेगा। क्या है नासा का जो आर्टेमिस मिशन क्या है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एक बार फिर इंसान को चांद भेजना चाहती है। इस मिशन में जो आर्टेमिस मिशन का नाम दिया गया है इस एजेंसी के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट तैयार किया है, इसे स्पेस लॉन्चर सिस्टम SLS के नाम से जाना जा रहा है। यह जो आर्टेमिस मिशन जो स्पेसक्राफ्ट आर्ट के चांद पर ले जाएगा और आर्टेमिस 1 मिशन के लिए अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। सारी चीजें बुधवार को नासा ने जो कैपस्टोन एक माइक्रोवेव के ओपन के आकार का जो क्यूब सेट लॉन्च किया जिसका वजन जो है सिर्फ 55 पाउंड यानी कि 25 किलोग्राम था। कैपस्टोन सर्कुलर ऑटोनॉमस पोजीशन सिस्टम्स ऑफ टेक्नोलॉजी संचालन जो नेविगेशन प्रयोग के लिए समर्पित है। यह अद्वितीय अंडाकार चंद्र और जो कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया रॉकेट लैब लॉन्चर कॉम्प्लेक्स ए रॉकेट लैब के लिए इलेक्ट्रॉन लॉन्च के लिए लॉन्च किया गया। उपग्रह गेटवे के लिए भविष्य के लिए एक अक्षर की ओर बढ़ रहा है। चंद्रमा के लिए परिक्रमा करने वाली चौकी जो नासा के ऑटोनॉमस मिशन के लिए हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, उदयपुर के जो दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी किस इस्लामी संगठन से जुड़े हैं। तो ए हमारा जो दावत इस्लामी, बी हमारा जो इस्लाम सहयोग संगठन, सी हमारा जो पिक में से कोई नहीं, डी हमारा पिक में से इनमें से कोई नहीं, दोनों है। तो इसे हमारा जो देख सकते हैं तो ये हमारा दावत इस्लामी इसका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं किलर इज द हिंदू टेलर्स ऑफ उदयपुर लिंक्ड टू पार्क्स द एक्सट्रीमेंट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ दावत इस्लामी व्हाट इज द नॉन द एक्सप्लेन द उदयपुर किलर द एंड दे आर द लिंक्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑफ द सुन्नी ग्रुप एंड दावत इस्लामी। तो ये न्यूज़ है भाई, सब न्यूज़ ने कवर किया हुआ है। उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की हत्या के वाले रियाज जब्बार और मोहम्मद गोस राजस्थान के जो 8 जिलों में ISI के जो स्लीपर सेल चला रहे थे, तो सारी चीजें समझे क्या मामला है, कहाँ से जुड़े हुए हैं और जो स्लीपर सेल क्या होता है। तो रियाज ने इस पाकिस्तानी कराची आतंकी ट्रेनिंग ली थी, जो भास्कर टीम ने आरोपियों के रिश्तेदार प्रदेशों की सारी जो जांच पड़ताल की है। अब देखो क्या उदयपुर की घटना है कन्हैया की जो हत्या हुई है, जैसे मैंने कल भी इसको सेशन दिया था लेक्चर दिया था, तो उसको समझ लेते हैं। जिस प्रकार के दरिंदे तरीके से जो है एक तालिबानी हरकत करते हुए दो मुस्लिम युवक ने एक कमरे से एक ने बड़ी वीडियो बनाई है, एक ने उसको कला ले दिया तो कत्ल कर दिया था। तो ये देश की जीवन काफी जो कायर वाली वो चर्चित मुद्दा रहा है कि इस तरह की काफी वायरल हुई वीडियो। तो NIA क्या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मामले को जो अपने हाथ में ले लिया है। NIA जो जब मुंबई जो मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था तब जो आतंकियों को की जांच करने के लिए ये टीम गठित है जिसकी उसका नाम NIA है। तब से लेकर आज तक जितने भी आतंकी घटना होती है उनकी जांच जो NIA द्वारा बहुत बारीकी से की जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है कि क्या है क्या पीछे सारे क्लू है क्या है कौन इसके पीछे है। तो NIA की तुलना जो अमेरिका की जो FBI से की जाती है, यह भी दुनिया भर के देशों में जो पूरे वर्ल्ड में जो जाँच की जानी जाती है और इसे किसी के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती कहीं पर जांच करने के लिए। NIA की जो सक्सेस रेट है जिसकी 93.3% है, मतलब इसने जो है 93% 93% जो अपने केस सोल्व किए हैं 100 में से के पास जो उदयपुर
एनआईए के पास जो उदयपुर का जो केस पहुंचा, जांच चल रही थी तभी जो एक चीज निकल कर आई कि एक हत्या जो हत्यारा है जो 45 दिन तक कराची रह कर आया है, ये जो पाकिस्तानी कराची रह कर आया है हत्यारा है, और ये पाकिस्तान का एक संगठन दावत इस्लामी लगातार के संपर्क में था। ये दावत इस्लामी देश में जो बम फोड़ कर इतने देखो सोचने वाली बात है, देखो अगर वो समझ में आया तो देखो उसको समझना है, देश में बम फोड़ कर इतने जो लोगों को जो मारा नहीं मार नहीं सकते जितना लोगों को आपस में लड़ा कर मार सकते हैं कि हम तो बम फोड़ दिया ठीक है लोग मर गए लेकिन आपस में लड़ेंगे तो यहाँ भी जो और कुछ लेना नहीं कुछ लोगों के मन में एक तरह से देश भाव उत्पन्न करनी है। आप सोच कर देखिए दुश्मन किस हद तक जो हमारी आंतरिक शक्ति पर जो वार कर रहा है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक दिन इंटरनेट बंद होने पर राजस्थान जैसा स्टेट जो बड़ा स्टेट है अब करोड़ों का नुकसान होता है, हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। ऑनलाइन चलने वाली जैसी संस्थाएं जैसे बैंकिंग हो गया चाहे टूरिज्म सेक्टर हो गया चाहे ट्रैवल एजेंसी होगी चाहे फास्ट फूड डिलीवरी हो गई, सबका जो कारोबार इंटरनेट के साथ ठप हो जाता है। अब बोलोगे नहीं जी कुछ ब्रॉडबैंड है, अभी ब्रॉडबैंड ठीक है मान लीजिए हम खाना बनाना मंगाना है बहुत सारे काम है पेमेंट करना, तो आजकल देख लो 99% आप जो लोग जो सब मोबाइल का यूज करते हैं और उसी में होता है उसका भी वॉलेट वगैरह सब चीज़ें तो वो देखो सारी चीज़ें ठप हो जाती है, आदमी ने एक भी चाह के भी मान लीजिए कुछ कर नहीं पाता ऐसे में तो ट्रांजेक्शन अटक जाते हैं काम छूट जाते हैं। आप किसी भी गोली देखो आप दूसरा एग्जांपल समझते हैं, आप किसी भी गोली मार दो उतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना देश की जो इकोनॉमी को पहुंचा के होता है। बट गोली मार दी जो एक आदमी मर गया कि उसके लिए दो मान लिए ऐसे समझ सकते हैं मान लिया हम उसमें खड़े हैं ट्रैफिक में खड़े हैं भाई एक आदमी नहीं निकल पा रहा एक आदमी को रोक के सबको खड़ा है मान लो उसमें पीछे मान लिया एक तरह से एम्बुलेंस भी है सब कुछ तो लोग उससे सारे इफेक्ट हो रहे हैं समझ लो ना एक उसके पीछे एक आदमी से चलो ठीक है इसे भी मर रहा है उसको मर गया चलो ठीक है लेकिन उससे सारा पूरा जाम लगा हुआ है समझ लो ना। तो सामाजिक ताना बाना कर जो तोड़ने के लिए दुश्मनों का इस हरकत को आपने पहचाना होगा, सोचो हमारी जो सोच पर केस पे इसने कैसे वार किया है। ये जो गवर्नमेंट की जो तत्परता रही कि चार दिनों में जो एक्शन मोड में आकर जो अपराधियों को पकड़ा, राजस्थान के जो सीएम द्वारा कहा गया है कि महीने भर में इन्हें जो फांसी तक पहुंचाने की तैयारी करेगा, तो ये राजस्थान के सीएम जी ने कहा है अशोक गहलोत जी ने, ऐसे समझो दुश्मन डायरेक्ट वार ना करके जो टेंशन नहीं है जो दुश्मन हमारे पे डायरेक्ट वार करे उसकी इतनी हिम्मत नहीं जो इतनी होगा नहीं हमारे वार करे। आजकल जो हमारा जो सी वार की घटना में बहुत कम सुनने को मिलती होगी, देखो सी वार हो रहे हैं आमने सामने हो रहे हैं या फिर बम जब बम ब्लास्ट हो रहे हैं ये भी बहुत कम सुनने को मिलते हैं लोग मर रहे हैं ये जो, लेकिन जो सांप्रदायिक जो उन्माद में इतने लोग मारे गए सरकारी संपत्ति को इतना नुकसान हुआ ये सब बहुत सारे आम बोझ देखने को मिलती है। तो देखो सरकारी संपत्ति को नुकसान का मतलब है कि भाई सपोज देखो कुछ कोई बस को मान ली बस को जला रहा है कुछ कर रहा है बस इस तरह के लोग हो रहे हैं लोग जो एक्शन वो आ रहे हैं देखो एक कुछ समझदार होते हैं वो तो ठीक है लेकिन कुछ उसके पीछे भी चलने लगते हैं लोगों को फॉलो करने लगते हैं तो वो गलत है। इसमें जो इन चीज़ों को जो रोक दिया जाता है जैसे इंटरनेट बंद हो रहा है ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी केवल दो व्यक्ति ही जो सांप्रदायिक ताना बाना बनाकर तोड़ने के लिए भेजे गए थे। तो देख लें आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को आप गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप लोगों को जो पहले कहा जाता है कि कानून की बातें करते हैं डरपोक लोग हैं कि बोलेंगे भी ये तो कानून की बात कर रहे हैं तो डरपोक हैं अब तो धर्म में बात आ गई ये आ गई वो आ गई मतलब ये मास किया जाता है। तो अगर डरपोक होते तो देश को जो इतने अच्छे से लीड करके चल रहे होते दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में बैठे जाते हैं इंडिया जो बैठता है। आज दुनिया के जो आंतरिक मामले की जो सलाम मसले के बिना कोई नहीं बढ़ता चाहे आप जो G7 की बैठक हो या G20 की बैठक हो या ब्रिक्स की बैठक हो या फिर जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी बैठक हो तो समझ इंडिया को पूछा जाता है तो अपने आप में तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए लेकिन जो इस तरह के जो हम एक अच्छी पोजीशन पे पोजीशन पकड़ रहे हैं मजबूती पकड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो हमारे जो इंटरनल इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है वो सोचने वाली बात है कि लोग हमारे देश के लोगों को जो बेमास्क कर रहे हैं। आज देश की जो नवनिर्माताओं को यह बात समझनी चाहिए कि हमें देश की भारत ताकतों से 1% भी टेंशन नहीं है कि भारत के इतनी औकात नहीं मतलब जो बाहर के देशों की इतनी औकात नहीं कि भारत पे जो आक्रमण कर दिया या कुछ इस तरह की बढ़ते हम इतने सक्षम है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत जो इंटरनल सिक्योरिटी से इंटरनल सिक्योरिटी को जो ऐसे समझो जो कभी भारत में जो अफगानिस्तान हुआ करता था आज अफगानिस्तान अलग देश है कभी टूटा वो भी टूटा था भारत से कभी 1947 में जो पाकिस्तान भी इस तरह से अखंड भारत से अलग हुआ था 1971 में इस पर अखंड भारत से बांग्लादेश अलग हुआ था तो सारी चीजें भारत से अलग हुई है तो इसी के पार्ट एक तरह से इन देशों में इन्हें स्वतंत्र देश मानते हैं। ये जो सब आंतरिक अशांति के कारण अलग हुए हैं ये इन सब में आकर शांति अथवा जो आंतरिक जो इंटरनल जो इस तरह से पीस खत्म हुई तो तभी अलग हुए हैं। भारत को किसी भी बाहरी हमले से टुकड़े नहीं टुकड़ों में बांटा भारत पे किसी ने अपमान नहीं किया कि भाई जो पार्ट में डिवाइड हो गया बांग्लादेश बन गया ये पाकिस्तान बन गया नहीं अपने आप आंतरिक अशांति का कारण हुआ। भारत को जो भारत पाकिस्तान बांटने के लिए किसी भारी देश आक्रमण नहीं किया
जिस प्रकार से जर्मनी को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिस्सों में बांटा गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, दूसरा देश का कारनामा था। देखो तो दूसरे अब एक जर्मनी पे दो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी बेटा, दूसरे देश ने इस तरह का जो रोल निभाया उसके पार्ट में, और अपने आधार पर जो दो में से फिर वो तीन में बट गया था। आज हमारे देश में जितने भी प्रकार की जो इस तरह के विवाद चल रहे हैं, जो खालिस्तान की चर्चा हो, चाहे नक्सलवाद को लेकर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात हो, ये सारी चीजें है ना देश के भीतर जो सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाली प्रयासों के रूप में उभर के आती है। समझदार नागरिक रूप में हमें जो काम करना चाहिए, हम टूट कर नहीं जुड़ कर काम करें, इस तरह की हमारी सोच होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचे कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ क्या किया, ये सोचे कि पाकिस्तान अपने पाकिस्तान को अपने साथ कैसे लाया जाए, अपने कैसे साथ उसको जो मैं समझाया जाए, एक होता है ना, तो ये सोचो कि बांग्लादेश अफगानिस्तान को भी भारत के साथ कैसे मिलाया जाए, कैसे जोड़ा जाए। आज आप बोलोगे कि ये कल्पना मात्र है, याद नहीं है किस तरह की बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तान की स्वतंत्रता में जो महत्व नहीं है, सबसे पहले जो तिरंगा यहाँ पे लहराया गया था, यहाँ पे जो आज भारत को जो कराची के लिए निकट की बात करती है, बात थी जो क्योंकि जो उस समय जो ये क्षेत्र जो कराची भी ये भारत का ही एक अखंड भारत का पार्ट था। इन तथ्यों को समझे कि सारी चीजों को क्या है, देश की बुनियाद को मजबूत करके जो कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करें। आंतरिक सुरक्षा को समझे कि कोई भी चिंगारी लगाए और जो हम बूम करके फट जाए, ये गलत है। निश्चित ही मुनाराओं को सजा मिलनी चाहिए, जो कानून व्यवस्था जो इतनी दुरुस्त होनी चाहिए, दुरुस्त कानून व्यवस्था चलते जो अपराधियों के मन में जो भयपन हो और इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, हम जो अपराधी इस तरह से मतलब इस तरह का एक्शन लेते हुए अपनी तो फिर दूसरा आज एक अलग दो खड़े होंगे इस तरह से। और हमारी सरकार को इतना विश्वास कर देना चाहिए, हमारी सरकार को इस तरह की घटना करने वालों को तो फांसी दी के अंदर तक पहुंचाया जाए कि जल्दी से जल्दी एक्शन किया जाए, जो है क्योंकि राष्ट्र के ऊपर की बात नहीं है। इस तरह की इस प्रकार की आंतरिक सुरक्षा के नाम पर जो कार्रवाई करने वाले को बख्शा नहीं जाए, उसे जो किसी प्रकार की जो राजनीतिक क्षेत्र से संरक्षण ना हो कि ये पार्टी का उसका हाथ है, ये तरह से है, धर्म से है, ये धर्म कोई नहीं होता, देखो राष्ट्र होगा कोई भी जो अपराधी तो हो तो उसे सजा तक पहुंचाना जाए, चाहे देश की प्रकार की जो मानसिकता की आवश्यकता है, देश की सरकार जो आप लोगों से चलती है, देश का विकास आपसे है, उम्मीद है कि आपको इस बात समझ में होगी, फिर भी अपना जो भविष्य निर्धारित करेंगे। आप देखो यहाँ समझते हैं, देखो स्लीपर सेल का मतलब होता है जो आवश्यकता पड़ने पर जो एक्टिवेट किए जाते हैं ग्रुप इस तरह से जो नक्सलाइट वगैरह तो उसे। और जो पाकिस्तान में जब ये बात पहुंची कि भाई आपने यहाँ पे जो आप यहाँ से एक तरह से उसने बोल दिया कि ये सारी चीजें विवेक बुनियाद है, हमारे यहाँ कुछ इस तरह का नहीं है, तो देखो सोचने वाली बात है, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं यहाँ पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है और इस पे लेने वाली बात है, एक्शन लेने वाली बात है कि कैसे लेता है भारत एक्शन। हालांकि एक्शन तो ले लिया है, रियाज की इसके लिए पाकिस्तानी कराची का आतंकी हमले की ट्रेनिंग ली थी, बात करके टीम के आरोपी के रिश्तेदार और जो पड़ोसी पुलिस अधिकारियों के बाद राजस्थान के आतंक फैलाने वाली साजिश का शुरुआत खुलासा हुआ। यहाँ पे देखो कितना बड़ा साजिश चल रही है, चल रही है भारत में चलाने की चला रहे हैं वो। रियाज 20 साल से छोड़कर जो 20 साल पहले जो घर छोड़कर उदयपुर आ गया था, यहाँ उसकी दोस्ती जो गोस मोहम्मद से हुई, दोनों जो साथ में से साथ रहते हैं, 20 साल से छोड़ा घर छोड़ा उदयपुर आया, वहाँ दोस्त गोस मोहम्मद मिला उसको, उससे दोस्ती हुई। इस दौरान जो रियाज पाकिस्तान ऑपरेट होने वाले ग्रुप जो दावत ए इस्लाम से संपर्क में आ गया कि दोस्ती हुई, और जैसे भी तो यहाँ पे जो इस्लाम जो पाकिस्तान का जो ऑपरेट होने जो ग्रुप ऑपरेट होता है ना ग्रुप दावत इस्लाम, उससे संपर्क में आया, ग्रुप में उसकी ग्रुप से ग्रुप ने उसकी शादी कराई, दावत इस्लाम उसको फिर भी उसने जोड़ दिया, इस्लाम बुलाने के रियाज के प्रदेश निवास किया, उनको बुला के जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान बुलाया उसको। ट्रेनिंग के बाद रियाज ने गोस मोहम्मद को अपने साथ जोड़ लिया और ट्रेनिंग के बाद गोस मोहम्मद को अपने साथ जोड़ लिया और दोनों जो उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर राजसमंद टोंक बूंदी बांसवाड़ा जोधपुर जिलों में गरीब और जो बेरोजगार युवकों से जोड़ते थे, गरीब लोग हैं ये जो नाम दिया राजस्थान के, यहाँ से गरीब लोगों को ठीक है तुम गाड़ी आकर लोगों को लालच दिया उकसाया, उनको ग्रुप से जोड़ लिया। आशंका यह है कि स्लीपर सेल में आईएसआई के जो ये बनाए जा रहे थे और जो इस तरह के जो देश के लिए फंडिंग अरब देशों से इसकी देशों से फंडिंग की जाती थी, तो देख सकते 30 लोगों में से 7 कराची में ट्रेनिंग, 2014 में रियाज और जो वो 30 लोगों के साथ जो पाकिस्तान गए और साथ ही जो उदयपुर के वसीम अख्तारी और जो अख्तर राजी भी थे, यहाँ उन्हें आतंकी संगठनों से ट्रेनिंग दी। 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद 1 फरवरी 2014 को दोनों भारत वापस आए, दोनों दावत इस्लामी और पाकिस्तानी राजनीतिक दल ए तहरीक गिल ब्लैक जो लबैक के संपर्क में थे, फंडिंग कहां से होती थी, रियाज और जो बोस मोहम्मद को फंडिंग के लिए 2014 2019 में सऊदी अरब
और 2017 में जो 18 में नेपाल गए थे फंडिंग यहाँ से लेते थे, और सऊदी अरब में समान अबू इब्राहिम से लगातार संपर्क में थे, दोनों जो दावते इस नाम के संगठन से जुड़े हैं। बदलो लॉयल्स टू डी कोनो, इस तरह की इनकी टैगलाइन थी, इस तरह से लोगों को साथ देते थे। उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी, जो कि युवाओं को जो राष्ट्र से ग्रुप से जुड़ा हुआ था, ग्रुप में जो गैर नाश के लिए भटकाने वाली भीड़ डाल देते इस तरह से कि जो कि हिंदू मुस्लिम इस तरह से बहुत सारी वो चीजें। रियाज जो युवाओं को दूसरे धर्म के लोगों को जो हमला करने के लिए उकसा रहा था कि उन पे हमला करो, उनसे कहा जाता था बदला लो या चुड़ी पहन लो, बच्चों को इस तरह से बोलेंगे तो पहले ये हो सकता है उनमें गलत उसका जो नेगेटिव फेड जाए, पर वो समझते नहीं है। रियाज ने जो डालकर जो गैर प्रोसेसिस्टी सीटों पर बदमाशों को जो हमले में गिरफ्तार किया, 20 जून की मीटिंग में बनाया था जो मर्डर का प्लान, 20 जून की सऊदी अरब के जो हम जो सलमान और जो अभी अबू जो इब्राहिम ने नूरपुर शर्मा की जो बयान की जो रियाज और जो बोस को जो मिसाल कायम करने के लिए कहा, और जो 20 जून को उदयपुर में दोनों के लिए कुछ के साथ जो मीटिंग की, लोगों के साथ कुछ मीटिंग की, और जो कन्हैया को मारने का प्लान बनाया। एनआईए की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों के पाकिस्तान के जो 8-10 नंबरों मोबाइल नंबर लगातार चर्चा में रहे, तो आतंकी कनेक्शन के होने की जांच ये बताई गई। उदयपुर मर्डर में शामिल जो बोश मोहम्मद के आतंक के कनेक्शन होने के संकेत मिले हैं, पाकिस्तान में 10 से 11 नंबरों की लगातार बातचीत होने का पता लगाया है, तो ये जांच में पाया है। राजेंद्र यादव जी जो गृह मंत्री हैं, तो और जो बोश मोहम्मद वो रियाज 2014 कराची जा चुका था, और कराची में अलावा कई स्थानों पर जो देश में घूम रहा चुका था, वहाँ पर आरोपी दावे शाम और संगठन से सालों से जुड़ा हुए थे। तो एमएलए राठौर ये जो डीएपी राजस्थान तो गर्दन काटने के लिए खुद बनाया था हथियार, कन्हैया ने 5-15 जून इस तरह से बना दिया था ना कट्टा, जो इनके जो ड्रेन मास करके मारने के लिए धमकी मिल रही थी। पड़ोस जो दुकानदार की एक महिला पहले ही इसे धमकाने आई थी। रियाज और घोष की पूरी टीम जो कन्हैया के हर मोमेंट पर नजर रख रही थी। घोष ने कहा कि कन्हैया को मारने के लिए गणा से जैसा हथियार खुद बनाया था, रियाज ने एक चुड़ी बनाकर कन्हैया को मर्डर ऐलान कर दिया था। इसके बाद 28 जून को रियाज और बोस ने कन्हैया की दुकान खोलने के लिए कुछ घंटों बाद उसकी हत्या कर दी, और हत्या का हत्या करने का उसका वीडियो बनाया। ये सारी चीजें तो लिखा दी उन्होंने, क्या कहा है सारी चीजें, उनके बयान क्या है। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी शुंगी संगठन दावत इस्लामी जुड़े हैं, यह समूह जो ईश निंदा करने वाले दंगे को करने का सपना करता है, और जो 2011 में पाकिस्तानी पाकिस्तानी पंजाब के गवर्नर जनरल सलमान तासीर की हत्या के प्रमुख से उड़ा था। उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की भीषण हत्या के बाद पाकिस्तान के संबंध सामने आए हैं। हत्या के आरोपी को एक बोस मोहम्मद कथित तौर पर जो पाकिस्तानी सुन्नी इस्लामी संगठन दावत इस्लामी के संपर्क में था, उन्होंने 2014 पड़ोसी देश की जो दो यात्रा भी की थी, चाहे नेपाल हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इनकी भी यात्रा कर चुका था। मोहन लाल राठौर लाठेर ने जो एक जो संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जांच के दौरान ये पाया गया कि आरोपी जो घोष मोहम्मद संगठन के एक जो संपर्क में था और यहाँ पर दौरा भी किया था। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में कोई शेयर करते रहा करो। नेक्स्ट अभी इंग्लिश ईयर तक गुजरात राइट्स ऑफ द हैपेंड्स, तो गुजरात दंगे किस वर्ष हुए, 2002 2004 2011 2012 2011 का आंसर है। तो ये देखा तीसरा सेटल आर्ट अरेस्टेड हुआ ह्यूमन राइट्स ऑफ चीफ कमिटीज ऑफ अनवारंटेड सेल्स ऑफ इंडिया, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया इन्होंने सभी कवर किया है, न्यूज को काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखो निकल के आ रही है। तो एससी जिसमें सर जा किया जाफरी इज द प्लेस ऑफ अगस्त प्लेस ऑफ चीफ ऑफ नरेंद्र मोदी टू द अनवारंटेड राइट्स ऑफ केसेस डेटा ए टाइम लाइन हाउ टू द प्लेस ऑफ आउट संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय जो सामाजिक कार्यकर्ता तीसरा सितंबर को लेकर जो क्या कहा है उस पर बात करेंगे। ऊर्जा दंगे काफी इंडिया में चर्चित रहे, गोधरा कांड जिसमें हिंदू और मुस्लिम काफी जो समय में आपस में लड़े थे जिसको देखते हुए लड़े थे, और जो बहुत इसमें जान गए हिंदू मुस्लिम दोनों की, दुनिया भर में ये जो समय दंगों की बात जो काफी चर्चित रही। जांच कमेटी समिति का गठन हुआ, तत्कालीन सीएम जो उस टाइम पे जो आप हुआ करते थे जो आजकल हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी उन पर जो आरोप लगा था कि उन्होंने देश के ऊपर जो ये इस तरह के दंगे करवाए हैं, और जो जांच समिति चार्ज बैठी और जांच टीम ने इस बात की जो क्लीन चिट दी थी मोदी जी को 2002 में कि जो 2002 में जो उनके लिए दंगे हुए हैं उनका कोई हाथ नहीं है। अब क्लीन चिट मिलने के बावजूद बावजूद एक पत्रकार जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम तीसरा सितंबर में एसआईटी की एक
जांच के लिए जो खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन किया, कहा कि क्लीन चिट देना ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को पुनर्निरीक्षण किया, सभी की बातों सुनी और घंटों बैठा कर सबसे पूछताछ की। 24 जून नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से आरोपियों को मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि एक एसआईटी में से पहले जो क्लीन चिट मिल चुकी थी मोदी जी को, तो इस काम के लिए लंबा खींचने वाला कौन था? शीतल वाड़ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, इन्होंने कहा कि हमारा जो इतना कीमती समय है जो इन्होंने बेकार किया है, साथ ही दो पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी के बाद जो नया मोड सामने निकल के आया क्या है, जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार बोर्ड ने जो ट्वीट करके इसकी जो गिरफ्तारी का जो विरोध किया, जो मैंने अभी ट्वीट आपको दिखाया, जो ये दिखाया इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, भारत जो सरकार ने उसी तरह से लपेट दिया कि आप होते कौन भी किस तरह से तलवार के गिरफ्तार होने दे दीजिए उनको, ये आपकी इनकी गिरफ्तारी दिखाई देती है। 2002 से जो अब तक ये इतना लंबा खींची है, हमारा 20 साल का टाइम बर्बाद किया उन्होंने, उसको में कोई नहीं है, मतलब जो न्यायपालिका कुछ नहीं है, ये जो सबसे ज्यादा न्यायपालिका इनसे ऊपर है। कहिए क्या ये एजेंसी है, क्या वो एजेंसी है जो भड़काने या बेवजह पॉलिटिशियन काम कर रही थी? तो एहसान जाफरी का मुद्दा है। देखो एहसान जाफरी जो कांग्रेस के जो एंटी हुआ करते थे, जिनका जो 28 फरवरी 2002 में 38 लोगों के साथ जो ग्रुप सोसाइटी अहमदनगर के दंगे के अंदर जो मौत हो गई थी, एहसान जाफरी पूर्व सांसद थे, उनकी पत्नी जो जाकिर जाफरी माध्यम से जो 30 सह याचिका बनकर जो एक्टिविज्म कर रही थी, उनकी पत्नी के साथ जो ये 30 के साथ जो दो पुलिसकर्मी जो आरवी कुमार जो आईपीएस और जो संजीव कुमार भट्ट पर जो उन्होंने जो कोर्ट में याचिका जो गलत तरीके से सबूत जो पेश किए थे, तो सारी चीज़ें हैं। और अब देखते हैं, भारत सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता 30 गिरफ्तारी के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय HOCR पर टिप्पणी करते हुए पूरी तरह से अवांछित करार देते हुए बुधवार को उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि देश की चुनाव व्यवस्था में व्यक्त करती है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमरिंदम पांगची ने अपने बयान में भारतीय प्राधिकार के स्थापित न्यायिक नियमों को जो कानून के उल्लंघन के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों पर FIR तो 30 सितंबर है, आरवी कुमार है, आरवी श्री कुमार है और संजीव भट्ट। 30 सितंबर जो पूर्व IPS और संजीव भट्ट और जो आरवी कुमार FIR दर्ज आरोपी जाकिर जाफरी के लिए कोर्ट याचिका लगाई थी, SIT चीफ और दूसरे जांच आरोपियों को गलत तरीके से जानकारी दी थी। तो जाकिर जाफरी ने साल 2002 में दंगा मामलों के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य लोगों के लिए SIT की ओर से 2012 में क्लीन चिट दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जो 30 सितंबर पूर्व जो IPS संजीव भट्ट और जो DGP RB श्री कुमार के खिलाफ जो फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी दस्तावेज का मामला सामने आया, संजीव भट्ट पहले ही तेज जेल में है जबकि 30 सितंबर श्री कुमार को अब गिरफ्तार किया गया। राजकुमार जो गुजरात पुलिस ने 30 के खिलाफ जो शनिवार को FIR दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली सीट खिलाफ के खिलाफ जो याचिका को गुरुवार शुक्रवार यानी 24 जून खारिज कर दिया था। याचिका जाकिर जाफरी की दाखिल की थी। जाकिर जाफरी के पति जो एहसान जाफरी को इन दिनों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाकिर याचिका में मेरिट जो मेरिट नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि मामले में पेटिशन सितलवाड़ ने जाकिर जाफरी को भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और पुरुष 30 तक की जो भूमिका को जांच की बात कही थी। तो ये विदेश मंत्रालय MEL ने बुधवार को जो कार्यकर्ता 30 सितंबर की गिरफ्तारी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त के लिए कार्यालय टिप्पणी का एहसास की और विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम ब्वांगची को जो सुश्री सितंबर की गिरफ्तारी का बचाव किया और उन्होंने कहा कि मामला कानून के अनुसार चलाया जा रहा है। जो हालांकि सरकार के पत्रकार और जो फैक्ट चेकर
जो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यालय के लिए आलोचना का जवाब दे दिया, हम जो हमने मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा कार्यवाही के संबंध में टिप्पणी देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी सीमेंट कंपनी जो रूसी कोयले के लिए यूएन के लिए भुगतान कर रही है, टाटा एसी और जो अंबुजा सीमेंट और आपका जो हो गया डोडा में, तो इसमें अंबुजा सीमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये है एक्सक्लूसिव इंडिया टॉप सीमेंट मेकर ऑफ द पेइंग फॉर द रशियन फॉल्स चाइनीज यूएन, तो डिफरेंट इन्होंने कवर किया है इसको एक्सक्लूसिव, इसमें भी इन्होंने किया है देखो करने भी। तो ये क्या मामला पूरा, भारत की सीमेंट निर्माता कंपनी रूसी कोयले के लिए चीनी युआन का भुगतान कर रही है, भारत की जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रूस के लिए कोयला मंगाया, रूस से भारत के लिए कोयला मंगाया, रूसी भारत कंपनी अल्ट्राटेक ने रूस से एक सस्ता एक तो सस्ता मिल रहा है एक कर नो प्रॉब्लम सस्ता मिल रहा है, पेमेंट जो करा दिया गया है वो चीनी युआन ने करा दिया। तो ये तो इसमें जो ये बात आई है इसमें जो वही बात थोड़ा थोड़ी खुशी की बात है थोड़ी गम की बात है, खुशी के लिए क्या है कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो गई है, दुख की बात है कि हमारे दुश्मन चीन के साथ जो है वो उसकी करेंसी में जो हमने यूज में लिया है। तो चीन रूस जो चीन के आयाम के मिलकर जो रूपल युआन का व्यापार कर रहे हैं, रुपया रुपया भारत क्यों नहीं कर, भारत जो रुपया और रूपल ये व्यापार क्यों नहीं हुआ, एक राइटर के राउटर के न्यूज एजेंसी ने एक्सक्लूसिव तरीके से इस न्यूज को बाहर निकाला है। भारत में जो चार प्रकार के कोयले मिलते हैं फिर भी जो कोकी कोयले के लिए जो इम्पोर्ट करना पड़ता है जिसमें जो स्टील को पिलाया जाता है, हम सबसे ज्यादा कोयला जो इंडोनेशिया से इम्पोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो अंदर कंट्री है सेकंड पे जो है जो ऑस्ट्रेलिया है, फिर थर्ड पे जो साउथ अफ्रीका है, फिर जो यूनाइटेड स्टेट है, फिर रशिया है, अदर जो रशिया के साथ जो हम 3% जो इम्पोर्ट करते हैं। 2019 का आंकड़ा है, जब यूक्रेन जो रूस क्राइसिस हुआ तो अदर के अवसर में भारत ने दुनिया के जो सेंसर उस पर लगे थे रशिया पे लगे, तो हम पहुंच गए कि हमें अपना जो भाई ठीक है कोयला हमें दे दो सस्ता, यदि हमें रशिया के जो 6 गुना सस्ता कोयला ले रहे हैं हम जो, और इंडिया टाटा स्टील ने 75,000 टन रशिया के जो मेरी से मंगवाया कोकिंग ऑयल क्या जो कोयल क्या है, इंडिया जो बिगेस्ट सीमेंट प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्ट है सीमेंट रशिया से कोयल का जो कार्गो मंगवाया, और ऐसा राउटर इंटरनेशनल एजेंसी ने जो इंडिया के एक कस्टम्स ड्यूटी को देख कर बताया, माल में जो पेमेंट चाइनीज की करेंसी होगा, रशिया जो कोल उत्पादन करने वाली कंपनी सीडेक है, तो सारी चीज़ें देख ली हैं सोनी में आ रही है, तो देखते हैं कि आगे क्या है। देखो तो इस तरह का ये हुआ है, तो कहने का मतलब ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉल्स इंपोर्टेंस ऑफ 2019 कंट्री ऑफ तो सबसे ज्यादा हमारा जो इंडोनेशिया से 49%, ऑस्ट्रेलिया से 20%, साउथ अफ्रीका से 16%, अदर वो जो यूनाइटेड नेशन से 5%, रशिया से 3%, अदर कंट्री से 8% ये होता है। इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम द रशिया सर्विस सेक्शन, तो ये हमारे सारी चीजें देख रहे हैं। भारत के सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक अल्ट्राटेक रूसी कोयले के लिए एक कार्गो आयात कर रहा है और सीमा और चीनी अभियान का उपयोग करने के लिए भुगतान कर रहा है, जैसे कि राइटर्स द्वारा समीक्षा किया गया और भारतीय सीमा शुल्क दस्तावेज के अनुसार युवा व्यापारी को कहना है कि दुर्लभ भुगतान विधि अधिकारी सामान्य हो सकती है, भारत में दिखाया है दस्तावेज में दिखाया गया अल्ट्राटेक उसी उत्पादन यूनाइटेड यूके के में जो 5,157,000 टन कोयला ला रहा है जो रूसी सुदूर पूर्व बंदरगाह जो वेन्यू टोथोवाहिक एमवीसी जो मैक्स आसर पर लोड किया गया था, यह है जो 5 जून के एक चालान के लिए हवाला देता है, जो कार्गो का मूल्य जो 172,652,290 युआन और लगभग मिलियन डॉलर है जो लगभग 22,000 रुपये है, तो देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है इंग्लैंड के विच इंग्लैंड प्लेयर रिसेंटली अनाउंस द इमीडिएट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, हाल ही इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसमें जो योन मॉर्गन बी हमारा बेन स्टोक्स और जी सी हमारा जो जो रूट्स परिवेश को है, तो हमारे योन मॉर्गन इस तरह का आंसर है, तो वर्ल्ड कप से तो विनिंग कैप्टन योन मॉर्गन रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये है इनका जो इंग्लैंड के जो वेल्स क्रिकेटर ऑफ ईबीसी परिवार को पीछे की पुष्टि की, इंग्लैंड के पुरुषों के सफेद गेंद के जो कप्तान योन मॉर्गन ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इंग्लैंड के साथ जो 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान जो 35 वर्ष से 2019 में कप्तान के रूप में आईसीसी क्रिकेट
क्विज कप जीत लिया और जो पहली बार पूर्व इंग्लैंड पुरुष के साथ विश्व ताज पर जीता है। यह वह कैरियर 2010 में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे। मॉर्गन जो एक देशी टी20 मैचों के साथ इंग्लैंड को सुपरिंग के समकालीन जो समकालीन जो अर्नी रन स्कोर के सर्वाधिक कैप्टन जो क्या खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी हाल ही में किसके द्वारा एवर वर्ल्ड द बेस्ट रन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जो जीता गया, तो इसमें जो आईजी ड्रोन्स, बीएमआर मेरको मेरो ड्रोन्स, सीएमआर जो स्काइड गेम्स ड्रोनर और डीएमआर नन ऑफ अबाउट, इसमें आईजी स्कोन ड्रोन इज द करेक्ट आंसर है। तो इंडियन स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स विंस द प्रेस्टीजियस ऑफ ग्लोबल अवार्ड्स विद द ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स। दिल्ली स्थित जो अग्रणी ड्रोन एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म आईटी ड्रोन्स एयर वाइड्स के द्वारा सबसे ड्रोन संगठन का स्टार्टअप जो श्रेणी का सम्मान किया गया स्थानीय समुदाय के लिए मदद करने और जो प्राकृतिक आपदाओं को दौरान जो विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रौद्योगिकी तक पहुंचाने के लिए दृष्टिकोण से आईजी ड्रोन के लिए पुरस्कार चुना गया। आईजी ड्रोन नई तकनीकी और आधारित आपदाओं प्रतिक्रिया शमन विकसित कर रहे हैं ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा मानचित्र के माध्यम से प्राथमिक प्रतिक्रिया की सहायता तक्षता और प्रतिक्रिया को बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है किस Which state of the government is going to open the tea hub facility? किस राज्य सरकार ने हाल ही में tea hub facility खोली है? तेलंगाना, बी हमारा आंध्र प्रदेश, सी हमारा गोवा और डी हमारे म्यूनिसिपल, तो इसमें हमारा तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। तो tea hub 2.0 plus capacity of the house for 4000 startup world's largest research facility। तो ये है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। उद्योगपति रतन टाटा के हैदराबाद के तेलंगाना सरकार के सबसे हालिया टी हब जो उद्घाटन के सामने की तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के लिए हैदराबाद टी हब सुविधा के लिए रतन जो टाटा सन्स ऑफ माइनस चैनल के लिए बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप स्थिति तंत्र के लिए काफी सारा होगा। वो तेलंगाना सरकार के लिए हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिषद खेल खोला जो घोषणा शहर जो शहर जल्द ही जो स्टार्टअप कंपनियों के लिए अगले महत्वपूर्ण नवाचार के लिए उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हु हैज रिसेंटली वन द ट्रांस वॉरियर्स ट्रॉफी ऑफ द 20 मंथ्स टीआईएफ एडिशंस। तो हाल ही में जो 21 जो टाई जो ट्राई एफएफ ट्रांस वॉरियर्स ट्रॉफी से जीती है, तो उत्तमा अनातिया ओजायका क्रॉस एनिमिसी कोई नहीं, तो उत्तमा इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हैं जो क्लूज कोनोपा जो यूनियन स्क्वायर आयोजित पुरस्कार समारोह में ट्रांस वॉलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसके संस्करण के लिए दर्शाने के लिए निर्देशन एलेजर जोद्रेस लोएजा ग्रीसी को फिल्म टमाटोमा के लिए इस साल के सबसे बड़े विजेता के रूप में चुना गया है, जो 10,000 यूरो ट्रांस वॉलिया ट्रॉफी के लिए सम्मानित किया गया है। जो बोलिविया प्रोडक्शन के लिए TIFF जो दर्शकों के लिए जीत हासिल की है, ये मास्टर कार्ड द्वारा 2000 यूरो जो इंडियंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसा कि महोत्सव में फिल्म निर्माता द्वारा अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज वन द फर्स्ट प्राइज ऑफ द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2020। प्रदेश राज्य सरकार ने जो है राष्ट्रीय एमएसएमई जो पुरस्कार 2022 पुरस्कार जीता है, ए ओडिशा, बी गोवा, सी हमारा प्रदेश, डी हमारा म्यूनिसिपल कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं ओडिशा गवर्नमेंट हैज बीन द प्राइज ऑफ नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। तो ये लघु सूक्ष्म उद्योग एमएसएमई जो बीजो विभाग की ओडिशा सरकार के लिए विभिन्न प्रकार के विकास मदकार पहलुओं के पर जो एमएसएमई जो प्रचार के लिए विकास उत्कृष्ट योगदान राज्य के प्रशासित राज्यों में राष्ट्रीय एमएसएमई जो पुरस्कार 2022 की श्रेणी में पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, जो बिहार और हरियाणा क्रमशः दूसरे तीसरे में है। इसके अलावा जो शिव भरत राउत मेंबर्स ऑफ अमर ग्रीन की प्रबंधन प्रौद्योगिकी कटक को सेवा उद्यम श्रेणी पुरस्कार के लिए सेवा उद्यम श्रेणी में तीसरा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच कंपनी हैज लॉन्च ऑफ द वेयरेबल एटीएम कार्ड्स ऑफ ऑफलाइन यूपीआई। किस कंपनी ने नए वेयरेबल एटीएम कार्ड ऑफ ऑफलाइन यूपीआई लॉन्च किए हैं, तो इसमें एस मनी इज द करेक्ट आंसर। तो ए तो देख सकते हैं इस मनी लॉन्च ऑफलाइन यूपीआई वेरिएबल्स एटीएम लॉन्च चार्टर्स। तो ये हैं तो इस मनी और यूपीआई 123 के भुगतान करने पहनने के लिए योग्य एटीएम लॉन्च चार्टर डिजाइन के लॉन्च किए हैं। यूपीआई 123 के भुगतान जो भुगतान लोगों के लिए फीचर फोन का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना कैशलेस भुगतान
लेन देन करने का अनुमति देता है। पहनने योग्य एटीएम कार्ड, पुलिस चाबी की जंजीर और ड्रिंक रिंगों के रूप में डिजाइन किए गए हैं। जो लोगों की जो एटीएम कार्ड और फोन के बिना जो कैसे करने के लिए सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच स्टेट द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनोवेट्स द होनी जो हनी टेस्टिंग लैब। तो केंद्रीय कृषि मंत्री के किस राज्य सरकार में हनी टेस्टिंग लैब का जो उद्घाटन किया है, इसमें जो ए नागालैंड, बी हमारा जो मिजोरम है, सी हमारा जो असम है, और डी हमारी से कोई नहीं। तो इसमें जो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है ए। प्रेस ब्यूरो इन्फॉर्मेशन की जो ये है पीआईबी की न्यूज़ है, देखो तो ये देख सकते हैं यूनियन इंस्टीट्यूट होता है, तो ये देखो नागालैंड हमारा है, ये इससे यहाँ से लगा हुआ है, इसकी जो सीमा लगी हुई है ये भूटान से, जो बांग्लादेश से लगा हुआ है इधर से, और यहाँ से जो ये अलग है नेपाल आ जाता है पांडु के। तो एक इसका किसी जो कैपिटल है कोहिमा, वनडे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। भूटान की थिम्पू हो गई, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की जो नेपाल की काठमांडू, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरन अफेयर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, नागालैंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो के कैटो, वो जो चीफ सिक्योरिटी नागालैंड जे आलम, और सेक्रेटरी जनरल हॉर्टिकल्चर कमीशन जो प्रभात कुमार। तो नागालैंड की अपने दौरा की यात्रा की अपनी यात्रा के दौरान जो केंद्रीय कृषि विकास मंत्री कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो दीमापुर शहर के लिए प्रशिक्षण प्रयोगशाला का आधारशिला का उद्घाटन किया, ये एक सबसे बड़ा एक तरह से सिटी मान सकते हैं उसका नागालैंड का। यहाँ पे यहीं पे जो बस स्टैंड भी है, बस तो हम बस भी बोल सकते हैं, बस उस पर चलती है वहाँ पे, और लेकिन जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे जो एक वो भी हुआ था धमाका भी हुआ था। तो ये शहद परीक्षण और सुविधा मधुमक्खी पालकों के उत्पादन के लिए उत्पादित जो शहद परीक्षण के लिए सहायता करेगी। नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर एक्सपो जो चम और देलमा के लिए तोमर का एक भाग में तो ये भाग ले रहे थे। समान रोके अन्य लोगों के लिए अलावा नागालैंड के किसी मंत्री जो काइटो सचिव जो आलम और केंद्रीय बागवानी आयुक्त जो प्रभात कुमार ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल डे ऑफ द ऑब्जर्व दिस डे, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधन जो दिवस के लिए मनाया जाता है, 29 जून इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधन जो 29 जून को मनाना स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पशुपालन और डेयरी विभाग DASD को कर्नाटक में हम लोग के वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया गया है, जो कार्यालय का उद्देश्य चुनौतियों से निपटने के लिए पशु मानव पर्यावरण स्वास्थ्य की धार को लिए एक साझा मंच पर लाना है। DASD के लिए बिल मेलिंडा गेट्स और फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ CII के लिए सहयोग के लिए क्रमान में भागीदारी के रूप में कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों के लिए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Recently, Nacho Dillons has won the gold medal in which the sports of the तो ये है हमारा कोशो नोवा मेमोरियल 2022। तो हाल ही में नाचो चिंगरो ने कोशो मेमोरियल 2022 इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ए हमारा डिस्क थ्रो, बी हमारा जेवलिन थ्रो, सी हमारा जो 100 मीटर जो है रन के लिए, और डी हमारा नाव आंसर। तो नवजीत सिंह ढिल्लो स्पोर्ट न्यूज में देखो, नवजीत सिंह ढिल्लो गोल्ड मेडल्स एट द जो वासिन दीवा ने जो 44.61 मीटर के साथ जो पोडियम पे नवजीत ढिल्लो को पीछा गया। वैसे देखो ये आज तक की हमारी करंट अफेयर स्टडी की तैयारी, देखो बहुत मेहनत लगती है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।